हे फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अंडा भुर्जी पाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम स्ट्रीट स्टाइल में ठेले पे जैसे मिलती है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। उससे पहले मैं हूँ आशा, एंड फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो एक कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसमें ऑयल डालेंगे एक बड़े चम्मच, और फिर उसमें सबसे पहले हमें हरी मिर्च डालना है, उसके बाद करी पत्ते को मैंने यहाँ पे कट करके डाला है, आप लोग ऐसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद एक कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद हल्का सा भूनते ही, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक कटोरी टमाटर बारीक कटे हुए इसमें ऐड कर देंगे, और फिर थोड़े से मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और दो चुटकी गरम मसाला और एकदम ज़रा सा काली मिर्च का पाउडर। ये सब मसाले इसमें ऐड करने के बाद सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। जस्ट एक मिनट तक लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भून लीजिए, बहुत ही ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हमने एग्स ले लिए हैं, आपको जितने भी एग्स लेने हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिए, और इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे हम। और ये देखिए, अब इसको लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर को रखना है, और लगातार चलाते रहना है, ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे, और ये बहुत ही जल्दी 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छे से भूंज के रेडी हो जाएगा। लास्ट में धनिया पत्ता ऐड कर दीजिए, और हमारी बहुत ही ज़्यादा जल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भुर्जी बनके तैयार है। अब हमें पाव ले लेना है और बीच में से उसको कट कर लेंगे, फिर तवे पे थोड़ा सा बटर डालेंगे, हल्का सा पाव भाजी मसाला ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो डालें, और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के पाव को अच्छे से सेक लेंगे। इससे ना एकदम जो ठेले वाला टेस्ट आता है ना पाव में, वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी फ्लेवर आएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से अलट पलट के बटर लगा के हम सभी पाव को सेक लेंगे, और यहाँ फिर अपनी थाली सर्व कर लेंगे। ये देखिए, प्लेट में लगा लीजिए, अंडा भुर्जी और पाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए।